ओके नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस आपका यहाँ पर है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन थ्री एक्स इंटू कॉस टू एक्स बाय साइन टू एक्स। यहाँ पर सॉल्व करने से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में केवल यही ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले कि साइन गिवेन है या कॉस गिवेन है अदरवाइज टेन गिवेन है। अगर साइन गिवेन है दैट मीन्स इसको डिवाइड करना पड़ेगा सम एंगल से, कॉस के केस में डिवाइड नहीं करना है, साइन के केस में डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स तीन फंक्शन अप्लाई है, सो यहाँ पर थ्री अलग अलग फंक्शंस के लिए थ्री अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स लेंगे। तो फर्स्ट का लिमिट, सेकंड का लिमिट एंड थर्ड का लिमिट, सेपरेट सेपरेट सभी का लिमिट ले लिया। नाउ साइन को इंटीग्रेट करने के लिए सेम एंगल से हमें डिवाइड करना होता है, थ्री एक्स से डिवाइड किया तो थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। कॉस के केस में डिवाइड नहीं करना है क्योंकि कॉस का फॉर्मूला मालूम है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स की वैल्यूज वन होती है, सो इसको इसी फॉर्मेशन में रहने देंगे। साइन टू एक्स है तो टू एक्स से डिवाइड और टू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एक्स कॉमन आ रहा है तो इनको कैंसिल कर लेंगे। थ्री कॉन्स्टेंट टर्म्स है तो थ्री को आप आउटसाइड ले लीजिए और इस फॉर्मेशन को एक साथ ले लेते हैं, इन फॉर्मेशन को एक साथ ले लेते हैं। गिवेन टू एक्स है, अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो टू एक्स की वैल्यूज भी जीरो होगी, सो ये टू एक्स है तो टू एक्स ले लेंगे, ये थ्री एक्स है तो यहाँ थ्री एक्स ले लेंगे। एक्स की वैल्यूज जीरो है तो थ्री एक्स की वैल्यूज भी जीरो है। अगेन आपका ये गिवेन टू एक्स है तो यहाँ चेंज करके यहाँ भी वैल्यूज जो है वो 2x करेंगे, सो लिमिट 2x टेंस टू जीरो साइन 2x बाय 2x, इसकी वैल्यूज हो जाएगी 1, इनकी वैल्यूज हो जाएगी 1 और इनकी वैल्यूज हो जाएगी 1। सो इसका जो सिंप्लीफाई करेंगे 1 into 3 into 1 डिवाइडेड बाय 2 into 1 सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट जो होगा वो 3/2 हो जाएगा। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स का क्वेश्चंस 1 to 3 क्वेश्चंस जो किए हुए हैं इसी बेसिस पे फर्दर आगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।